थर्ड पॉइंट हमारा है व्हील इंडेक्स। व्हील इंडेक्स, व्हील नाम से समझ में आ रहा है कि एक व्हील बना होता है और व्हील के चारों ओर कार्ड्स को हैंग किया होता है, ठीक है, कार्ड्स लगे होते हैं, या हम कहें कि उसके साथ आप लोग जो है जो भी अपनी डिटेल लिखना चाहते हो उन कार्ड्स के ऊपर लिख देते हो, बाद में उसको जो है व्हील के ऊपर जो प्लेस कर देते हो। और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेसिकली सुटेबल है, क्योंकि व्हील के ऊपर आप खुद सोचो कितने ज्यादा आप कार्ड जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये तो फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वही यूज करती हैं। एंड सेकेंडली इसमें क्या होता है कार्ड इंडेक्स में, कि देखो आपने तो सिर्फ एक कार्ड बनाया और उस व्हील के ऊपर लगा दिया, इन फ्यूचर अगर आप कुछ भी सेम डिलीट या ऐड करना चाहते हो, ऐसी जो भी ये फ्लेक्सिबल है तो ये चेंज हो सकता है, इसकी वजह से बाकी चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या बाकी कार्ड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगेन इट इज अप टू द यूजर कि वो इसको जो हैंग करना चाहता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेगा या वो रैंडमली करेगा, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकता है। अब पढ़ते हैं व्हील इंडेक्स डिटेल में। सो इन्होंने लिखा है ये वर्टिकल इंडेक्स है, वर्टिकल आई होप तुम लोगों को पता हो, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये वर्टिकल है, ठीक है। सो इन्होंने सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या होता है, जब आप लोग किसी भी लाइन को इस तरीके से प्लेस करते हो, तो ये जो आपका कार्ड है ये वर्टिकल फॉर्म में होता है, या ये जो व्हील इंडेक्स है ये वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट लिखा है कार्ड्स आर माउंटेड ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील, जो भी उसका ऊपर जो एरिया होता है उसके ऊपर जो है ये प्लेस किया जाता है, व्हिच इज प्लेस्ड इन अ कैबिनेट और डेस्क। अब वो व्हील जो है वो कहाँ पे रखोगे, जिसके ऊपर आपने कार्ड्स रखे हैं वो कहाँ पे रखोगे आप लोग, वो अगेन किसी भी आप लोग डेस्क के ऊपर रख सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है। मैं इसीलिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ, चलो ये तो इंडेक्स वाला टॉपिक है तो इसलिए हम इसको इसी के साथ रिलेट करेंगे, बट अदरवाइज आप किसी भी शॉप पे जाते तो ऐसा कोई भी व्हील वहां पे पड़ा होता है जिसके आसपास उन्होंने वो चीजों को टांगा होता है, तो ठीक है ये वो चीज आपका आ जाती है यहाँ पे। द कार्ड्स आर अरेंज्ड एज इन अदर मेथड्स, ठीक है। अब जो अरेंज करने हैं कार्ड्स, वो मैंने अगेन आप लोगों को बोल दिया है कि वो आप लोग किसी और मेथड से भी जो है उनको अरेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दो या आप लोग न्यूमेरिकल कर दो, जिस तरीके से भी आपको फिजिबल है। अ लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स कैन बी अटैच्ड, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स अटैच कर सकते हो, पर इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, क्योंकि अगर एक नंबर से ज्यादा भी आप लोग कार्ड्स अटैच कर दोगे तो उसका नुकसान ये है कि कार्ड्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि सारा व्हील घुमाना पड़ेगा एंड देन वी विल कम टू नो कि ये वाला कार्ड आपको चाहिए था। तो लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, बट स्टिल ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ही ज्यादा यूज करती है। अब जो है व्हील है वो रोटेट हो सकता है, ऑफ कोर्स आप उसको रोटेट कर सकते हो, और रोटेट करने के बाद आपको जो भी वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कार्ड चाहिए, आप उसको प्लग कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। सो पिक्चर से तो डिपिक्ट हो ही रहा है। सो इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक, जिसको हम कहते हैं ना कि आपके ऐसे कार्ड्स जो आपको नहीं चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे डेड कार्ड्स, जो ऐसे कार्ड्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है आप उनको निकाल सकते हो, ठीक है, और न्यू कार्ड्स जो है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये कोई बाउंड फॉर्म में नहीं है कि अगर आप एक बार आपने कहीं पे भी इसको रख दिया तो उसके बाद कार्ड निकलेगा नहीं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए एडिशन और डिलीशन दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है एक फ्लेक्सिबल सिस्टम की, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आप लोगों को इसके लिए ज्यादा कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है, कॉस्टलियर एसेट भी नहीं चाहिए और ज्यादा स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है बिग फर्म्स के लिए, बट अगर आप इसको स्मॉल फर्म में लिखोगे तो वो ज्यादा सी सुटेबल रहेगी, क्योंकि ये इन्होंने जो पिक्चर में बनाया है, ऑफ कोर्स ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, जो बेसिक व्हील इंडेक्स होता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस साइज ऑफ व्हील ये हम ये डिसाइड करेंगे कि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है एडवांटेजेस। पहले क्या, आपको ज्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा है आप इजिली यहाँ से कार्ड्स को निकाल सकते हो और इजिली आप लोग जो है एड कर सकते हो विदाउट रिमूविंग इट, जिस तरीके से भी आपने करना है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, कोई कॉस्टलियर नहीं है, ये चीजें खुद से ऐड कर देना, इस तरीके से आपके 6 to 7 पॉइंट्स इजीली बन जाएंगे, ठीक है जी।
ये चीजें तुम्हारी होगी कि यहाँ पे इन्होंने फ्लेक्सिबल सिस्टम लिखा है, तो आप इसको फ्लेक्सिबल यहाँ पे लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट बना देना फ्लेक्सिबल का। तो ये तो तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे है ना, आप किस तरीके से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिप इंडेक्स। अगर स्ट्रिप इंडेक्स की आप यहाँ पे फोटो देखो, पिक्चर से देखो, तो आपको एक चीज समझ में आती है। स्ट्रिप इंडेक्स है क्या, यहाँ पे हर कार्ड के ऊपर, हर एक जो भी एक फाइल पड़ी है उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई है, दैट इज विजिबल। ठीक है, उसके ऊपर नेम जो लिखा है या कंपनी नेम है, दैट इज विजिबल, अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। दिस इंडेक्स इज यूज्ड व्हेन स्मॉल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट कस्टमर्स। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज्यादा नहीं, फिर पॉसिबल नहीं हो सकता ना। सो इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड, दिस इंफॉर्मेशन इज टाइप्ड ऑन स्मॉल स्ट्रिप्स। ठीक है, हर स्ट्रिप के ऊपर आप उसकी डिटेल या फोन नंबर लिख सकते हो और उसको प्लेस कर सकते हो, और फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको रख सकते हो। अब आपको लगेगा कि ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको फोन वो आपकी डायरी के बारे में बताया था, बाउंड इंडेक्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो बुक फॉर्म में है, ये एक लूज फॉर्म में है। ठीक है, हर इंफॉर्मेशन नाम लिखी है, वो स्ट्रिप्स आप निकाल देते हो। कई बार हम लोग टैग यूज करते हैं ना अपनी कॉपीज के ऊपर, तो वहां से हमें पता चल जाता है किस पेज के ऊपर क्या चीज लिखी है, हमने किस पर्सन का नाम लिखा है, इस चैप्टर कौन से पेज के ऊपर ये चैप्टर है, वो हम टैग्स यूज करते हैं, कलरफुल टैग्स। सेम ये कलरफुल टैग्स ही है, पर यहाँ पे क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और वहां पे हम पेज नंबर या चैप्टर नाम लिखते हैं, तो काइंड ऑफ वो भी हमारा इंडेक्स है और ये भी हमारा क्या है, इंडेक्स ही है, स्ट्रिप इंडेक्स। आई होप जिन बच्चों ने वो टैग्स, वो कलरफुल टैग वो कॉपीज के ऊपर यूज करते हैं या कई बार हम भी यूज करते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, तो वो चीज आप लोगों को पता है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बात करी है, एक तो ये लिख दिया उन्होंने कि स्ट्रिप्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख तो दिया क्योंकि हम बात कर रहे थे ना टेलीफोन नंबर और एड्रेस की। अब इतने ज्यादा एड्रेस है, इतने ज्यादा टेलीफोन नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, हमें पता चल जाएगा कि अगर राम एंड श्याम कंपनी का हमें फोन नंबर चाहिए या इसका एड्रेस चाहिए, तो ये ऑफकोर्स आर वाले लेवल पे या इस स्केल के ऊपर ही इसका जो है वो चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, सो अब इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको मेटल फ्रेम या किसी भी तरीके से रख सकते हो, वो चीज आप पढ़ लेना। न्यू स्ट्रिप्स कैन बी एडिड, ऑफकोर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि कोई भी आप लोगों का ऐसा पर्सन है, कस्टमर है, अब जो आपके साथ लिंक में नहीं है, आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सो आप उस स्ट्रिप को रिमूव भी कर सकते हो। इफ सम स्ट्रिप्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दे कैन बी टेकन आउट। तो जरूरी नहीं उनको वहां पे रखना है, बट बाउंड इंडेक्स में ये डिसएडवांटेज है ना, हम वहां पे कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास वो बुक फॉर्म में है, वो बाउंड है। अब यहाँ पे इस चीज के एडवांटेजेस हैं कि आप अगर ऐड करना चाहो, डिलीट करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो, आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने स्ट्रिप ही नहीं यूज करनी है, उसमें ऐड ही करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो हमारा मीनिंग था स्ट्रिप इंडेक्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है। और एक चीज और, अगर आपको जो पीछे स्ट्रिप इंडेक्स पड़ा है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं गिवन, बट आप फ्रेम कर सकते हो कि वो फ्लेक्सिबल मेथड है, वो कॉस्टलियर नहीं है, एज सच जो है स्मॉल एज वेल एज बिग ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है, तो वो आपके एडवांटेजेस इजिली बन जाएंगे। ठीक है जी, अब आती है यहाँ पे बुक इंडेक्स की बारी। बुक इंडेक्स यहाँ पे आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी बुक इंडेक्स की, कि जो बुक इंडेक्स है वो कौन सा है, जो फोन डायरी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये एक रजिस्टर फॉर्म में होता है। ठीक है, रजिस्टर इन द सेंस कि जिसको आप बुक यूज करते हो या जो भी कॉपी यूज करते हो, ये उस फॉर्म में होता है। सो फर्स्ट वन लिखा है, अब उसमें पेज नंबर अलॉट होते हैं हर अल्फाबेट को, जो भी आप लोग एक यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, और उसके लिए पेज नंबर अलॉट है। और जो आप इंफॉर्मेशन लिखोगे, अब लिखने की हमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशन है आप कंपनी वाइज या उस पर्सन के नेम वाइज यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखोगे, क्योंकि जो आपका बुक इंडेक्स बना है वो बना ही इस फॉर्म में है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आप एरिया वाइज अगर आप कैटेगराइज करना चाहो वो भी कर सकते हो कि लुधियाना वाले एल पे लिखे हैं, अमृतसर वाले ए पे लिखे, तो आप इस तरीके से भी जो है कैटेगराइज कर सकते हो, वो अपनी कन्वीनियंस है आप लोगों की। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टैग जो भी लगा हुआ है आप उसको वहां से आपको पता चल जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन या जो भी उस
अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उस पेज के ऊपर गिवन है, आप उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख सकते हो पेज नंबर के अगेंस्ट, यानी कि उस पेज के ऊपर। अब जो सम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस है, कोई टेलीग्राफिक एड्रेस है, कोई फोन नंबर है, ये सब कुछ वो भी आप लोग इंडेक्स के ऊपर मेंशन कर सकते हो। व्हेनेवर अ फाइल और रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म इज रिक्वायर्ड, अगर मान लो आपने ए के ऊपर किसी भी अमन एंड कंपनी का नाम लिखा था और आपको उस पर्सन की अब फाइल चाहिए, देन पेज बेयरिंग दैट अल्फाबेट इन द इंडेक्स इज ओपन, ऑफ कोर्स आप ए वाला पेज ओपन करोगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ये बुक इंडेक्स है। और ट्राई करना अगर पेपर में ये फोटोज मत बनाना, बिकॉज अगर आप इसकी एग्जाम्पल दे दो ना मीनिंग के साथ, वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी रेदर देन अगर आप डायग्राम बनाने में। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलती हूँ डायग्राम बनाओ, अगर टाइम नहीं है तो आप डायग्राम मत बनाना, ये आपका थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होएगा मतलब इस चीज में। नेक्स्ट लिखा है, इफ इट इज डिजायर टू सी दैट द नंबर ऑफ पेज ऑफ पीटरसन एंड कंपनी देन द इंडेक्स ऑन पेज पी विल बी सीन, ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल लिखी है, फॉर एग्जाम्पल करके इसको फ्रेम कर देना। ठीक है, अगर पीटर एंड सन कंपनी चाहिए तो आपको वो पेज ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको किसी और कंपनी का नाम चाहिए तो आपको उसका जो भी अल्फा इनिशियल अल्फाबेट है वो चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली पेज ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है, सिंपल मेथड, तुम्हें कोई लेबर वर्क करना पड़ा, समझने की कोशिश करनी पड़ी, तुम्हें पता है चीज बनी बनाई आ गई है, जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, सो सिंपल मेथड है। अब इसके बाद लिखा है, पेज ऑफ द बुक कैनॉट बी टॉर्न और लॉस्ट, फट नहीं सकता, बीच में से निकल नहीं सकता, लॉस्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसके साथ बाउंड है वो। ठीक है, सो इसलिए लिखा है, ये आप लोगों का ये एडवांटेज है। अदरवाइज जैसे हमने बात करी थी लूज लीफ में, अगर आपको खोलते हुए या उसको चेंज करते हुए ऐड करते हुए कोई पेज मिसप्लेस हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कि अगर आपकी नंबर ऑफ फाइल्स स्मॉल है ओनली देन ये आपका यूजफुल है, मतलब सुटेबल। अगेन दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल फर्म्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के केस में ना नाम ज्यादा हो जाते हैं और पेज तो तुम्हारे पास वही है, ए अल्फाबेट के दो ही होंगे, तो फिर अगर उससे ज्यादा तुम्हें कुछ लिखना पड़ा तो कहाँ पे लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। सो दैट्स व्हाई इन्होंने लिखा है कि लार्ज फर्म्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। एंड लास्ट वन इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है, कोई तुम्हारे तुम्हें इसके लिए एसेट नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास है उससे काम कर लो। अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। अब कहते हैं कि अगर ये सेम बात वही जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी कि इन केस फाइल्स तुम्हारी इंक्रीज कर जाए, ठीक है, नंबर ऑफ फाइल्स तुम्हारी इंक्रीज कर जाए, तो फिर तुम ऐड तो नहीं कर सकते बीच में पेज, तो फिर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वन लिखा है, द नेम ऑफ द पार्टीज मे हैव टू बी डिलीटेड व्हेन देयर इज नो फर्दर डीलिंग विद देम। अब उनको डिलीट क्या करना, तुम्हें कट करना पड़ेगा। यही चीज है ना, पेज तो बीच में से तुम कुछ नहीं टॉन वगैरह नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका नाम कटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें वहां पे। सो कई पार्टीज ऐसी होती हैं, पैसा ले लिया या दे दिया, डीलिंग खत्म, फिर भी उनके नाम उस डायरी में दिखते रहेंगे कई सालों तक, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। सो अगेन लिख ही दिया इन्होंने दैट दिस मेथड या दिस सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल, तुम रिजिड भी लिख सकते हो, ये रिजिड है, चेंज नहीं कर सकते तुम इसको। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी एडिशंस, ऑफकोर्स यस, तुम एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि हर पॉइंट में दो चीजें लिखी है उन्होंने, जरूर एडिशन और डिलीट दो चीजें बात दो चीजों की बात करी है, तो यहाँ पे भी इन्होंने लिमिटेशन में दो चीजों की बात करी है। सो बात करते हैं वोवल इंडेक्स की। अगर हम पिक्चर देखें तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वोवल तो हमें पता ही है, ए ई आई ओ यू। अब आप ये सोचोगे कि अगर किसी बंदे का नाम एफ से है या एक बंदे का नाम बी से है तो हम कहाँ पे नाम उसका प्लेस करें, तो तुम्हें क्या करना है। अब इन्होंने ए बी सी डी अलग से लिखा है, अकॉर्डिंगली जिस पर्सन के नाम में पहले जो भी वोवल आता है, उसका जो भी रिकॉर्ड है, जो भी उसका डेटा है, जो भी उसका फाइल है या कार्ड है, वहां पे प्लेस कर दोगे, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर बुक इंडेक्स की, उसकी इम्प्रूवमेंट करी गई है। हम वहां पे क्या करते थे, ए का नाम है तो ए पे लिख दो, अब इन्होंने लिखा है कि ए का नाम है, अमन एंड कंपनी है, अमन में देखो सबसे पहले वोवल कौन सा आ रहा है, फिर वहां पे उसका नाम प्लेस करो। सो इन वोवल इंडेक्स द फर्स्ट वोवल इन द नेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट ए है बी है वो तो बाद की बात है,
आप ये चेक करोगे कि उसके नाम में फर्स्ट वोवल कौन सा आ रहा है, ठीक है, उसके साथ उसका फर्स्ट अल्फाबेट पहले देख लिया, ए ए में, अब जो भी आपका वोवल है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सब डिवाइड करोगे. सो एवरी अल्फाबेट इज सब डिवाइडेड फर्स्टली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अल्फाबेट, देन अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट वोवल. दो सब डिविजन होनी है इसमें आपकी. सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुएगी, हम एग्जाम्पल रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मतलब ये कैसे वर्क करता है सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि पहले तो सब सेक्शन उन्होंने बनाए हैं. पहले सेक्शन कौन से बनाए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल ए टू जेड उन्होंने लिखा है. देन सब सेक्शन सब डिविजन की है ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल्स ए आई ओ यू, ठीक है जी. अब अल्फाबेट ए विल बी सब सेक्शन लाइक ए आई ए यू ए ओ. अब किसी पर्सन का नाम है फॉर एग्जाम्पल अमन एंड कंपनी, द इंडेक्स ऑन द पेज ए विल बी सीन. पहले हमने क्या देखा? ए. फिर उसके बाद फर्स्ट वॉवल कौन सा था उसके नाम के बीच में? अगेन ए था. तो यानी कि उसकी जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो किस पेज के ऊपर लिखी जाएगी? फर्स्ट ए, ठीक है जी. सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है ये चेक कर लेना, बिकॉज द नेम ऑफ द कंपनी स्टार्ट विद ए एंड द फर्स्ट वॉवल इन द नेम इज ऑल्सो ए, अमन. तो इस तरीके से तुम लोग जो है इसको यूज कर सकते हो. ऑफ कोर्स दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज होंगी एंड इन दैट केस आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा इस मेथड को फॉलो करना और इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज सेम नाम के अमन के नाम से कितने पर्सन हो सकते हैं, ठीक है जी. सो उस केस में तुम्हारे लिए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स रहेगा. सो दिस सिस्टम इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन. इतना समझ में आ गया? कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो तुम लोग, ठीक है, वो अपने आप हिसाब से देख लेना जो भी तुमने लिखनी है तुम्हें फिजिबल लगती है. अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की एंड देन लिमिटेशंस की. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस. फ्लेक्सिबल मेथड है, ऑफ कोर्स यस, ठीक है. तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें. इजिली शीट्स एड या चेंज हो जाती है क्योंकि ये बाउंड फॉर्म में नहीं है. प्लीज आप एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना साथ में. That sheets can be easily changed or added because it is not in the bound form as book index जो था तुम्हारा. Then next आता है तुम्हारा limitation. अब limitation सबसे ज्यादा इसी method की है क्योंकि हमारे लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल है और implement करना भी little bit आपके लिए difficult है. First इन्होंने बात करी है when more and more names are required to be added then it becomes very difficult. आप बार बार तुम्हें जो है ऐड करने पड़ेंगे तो तुम कैसे करोगे? सफिशिएंट स्पेस तो तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है. ये कौन सा तुम्हारा जो है लूज लीफ इंडेक्स है कि जितना मर्जी ऐड करो तुम. अब यहाँ पे जो है तुम्हारा एक वो बॉक्स बना है उसमें ही तुम्हें कार्ड अरेंज करने हैं, तो एक हद से ज्यादा वो भी नहीं हो सकते. नेक्स्ट इन्होंने बात करी है देयर मे बी अ नीड टू डिलीट द नेम ऑफ पर्सन और पार्टीज व्हेन इंटरेस्ट सीजेस इन दैम, मतलब जब उनके साथ तुम्हारी डीलिंग खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तुम्हें उन नामों को डिलीट करना पड़ेगा. अगेन तुम्हारा पूरा सिस्टम हिलेगा. नेक्स्ट इन्होंने बात करी है द नेम्स विल फर्स्ट बी एंटर्ड ऑन ईच पेज इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर फर्स्ट. तो कहते हैं तुम्हें अब जो नाम एंटर करने पड़ेंगे वो इस हिसाब से करने पड़ेंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, ठीक है. अब ये प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा है तुम लोगों को. नेम विल बी फर्स्ट एंटर्ड ऑन ईच पेज, पहले तो हर पेज के ऊपर नाम एंटर करो फिर उसको दोबारा से कैटेगराइज करो, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है जी. सो ये हमारे जो थे सारे ये हैं लिमिटेशंस, और ये हमने आज जो टॉपिक खत्म किया था ये हमारे हैं हमारे मेथड ऑफ इंडेक्सिंग या टाइप कौन से टाइप्स हैं, कैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं. जो मोस्ट पॉपुलर है आप लोग बेसिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो तो आपको पता है एक बाउंड इंडेक्स है, आप या लूज लीफ इंडेक्स यूज करते हो या स्ट्रिप इंडेक्स बेसिकली यूज करते हो. एंड रेस्ट ऑफ दी जो आप लोगों के यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स के टाइप्स दिए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज करती है.